दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लॉन बेतवा क्लब की महिला सदस्यों द्वारा बाल विहार में रोपे गए पौधे बांटे थैले। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के चलते विधायक ने जताई नाराजगी, दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। और शहर में बढ़ रहा है स्वानों का आतंक। स्वान के काटने से परेशान मरीज रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। जिला मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स पर कालिख पोत दी जाती है। लगे होर्डिंग्स पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। वहीं कालिख पोतने के बाद उस पर पेमेंट ना देने की बात लिखी गई है। अरे भाई खींच रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अभी। हाँ भाई, ये आपने होर्डिंग क्यों पोता? ये किसने प्रिंट करवाया था? क्या करो? नहीं, उनका अभी अभी प्लीज। हाँ, क्या नाम? क्या सुनो, नाम बता दो। अभी रुक जाइए प्लीज। मैं एक बार इसके बारे में आप क्या क्या नाम है आपका? काली नाम मालूम? काली क्यों पोती आप? नाम क्या है आपका? प्लीज नहीं तो काली क्यों पोती आप? प्लीज आपने ये कालिक पोती होर्डिंग पर पेमेंट नहीं मिला क्या? मैं इस होर्डिंग को लगाने का हमें टेंडर मिला था। ओके। इसका पैसा नहीं दिया एसबीआई जनरल वालों ने, इसलिए हम इस पे कालिक पोत रहे हैं और इसको भी निकाल भी देंगे। ओके। तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति ये थी? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। कितने लाख के आपने ये होर्डिंग लगाए हुए थे? तकरीबन हमने 8 लाख के आसपास। 8 लाख? तो पेमेंट नहीं हुआ आपका? आपका भुगतान नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी तक। अभी तो कितना भुगतान होना है? हमारा तकरीबन अभी 8 लाख के आसपास का पैसा बाकी। कितने समय का टेंडर हुआ था आपका? हमारा ये ऐसा समय का कुछ नहीं रहता, वन टाइम हमारी कॉस्ट होती है। आपकी जो संस्था है तो किस नाम से टेंडर मिला? अभी हम संस्था का नाम ओपन इसलिए नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ हम हैं। अभी फिलहाल हमें जो उससे पैसा लेना था हमने उनको ये भेज दिया है। उनने पहले बोला था कि हम ये पेमेंट नहीं करेंगे। ये क्या तरीका रहा आपका कि मतलब आपने इस तरीके से? हमने पहले एसबीआई को इन्फॉर्म किया था, उनका कहना है आपको जो मर्जी वो करो। तो ये जिम्मेदार कौन सा विभाग है इसका? एसबीआई जनरल। क्या नाम है आपका? मेरा हेमराज पटेल। ठेले पर एक मतलब बोर्ड लगा हुआ था, होर्डिंग्स लगा था, उस पर फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगा था, उस पर कालिक पोत दी गई थी, उस पर पेमेंट नहीं हुआ था, क्या पूरा मामला था? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा एक वेंडर को कुछ पोस्टर बनाने का ठेका दिया गया था। उनके द्वारा क्या बोलते हैं, विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। यहाँ ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर काले रंग का रंग पोत दिया गया है और पोस्टर पर लिख दिया गया था कि मेरा भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई स्टार मीडिया वाले हैं, उन हेमराज पटेल करते हैं, उनके द्वारा ये घटना कार्य। बड़ी बात, जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर इस तरीके से कालिक पोत के चले जाना, ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता सर? बिल्कुल, इसीलिए उनसे चर्चा की जा रही है और इस विषय में जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर उसका किस चीज़ का पेमेंट? जैसा कि बताया गया है उसके द्वारा बोर्ड पर लिखा गया था कि मेरे फ्लैक्स का भुगतान नहीं हुआ है।
तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उसके फ्लैक्स का भुगतान ना होने के कारण उसके द्वारा ये कार्य किया गया है। सर इसमें एक बात आ रही है, जिला प्रशासन ऐसा तो नहीं, जिला प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं बैठी, इसलिए लोग आ रहे हैं, काले खोद रहे हैं, कोई अतिक्रमण कर रहा है, आप जाते हो कुछ होता नहीं है? नहीं तरह का ही है ये तो ऐसा, ये जो घटनाएं होती हैं आपादिक श्रेणी की होती हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक दशा को प्रदर्शित करती हैं, तो इस कारण ऐसा ही से जनरलाइज रूप देना सही नहीं है। नहीं सर, इससे क्या जिले की बदनामी होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके लिए जिम्मेदार जो प्रशासन है वो है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन में तो मतलब प्रशासन कोई बोध नहीं है, व्यक्ति तो मैं लोग आप ही लोग तहसीलदार से लेकर एसडीएम, नहीं तो प्रशासन के सभी अंग हैं। एक प्रशासन का तात्पर्य केवल एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ पांच लोग और खड़े हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सभी का सामूहिक दायित्व है। सर इस पे क्या एक्शन देंगे? इस पे जो भी नियमानुसार है उसके संबंध में दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। ओके, नाम क्या था आपका? नाम बताएं अपना। मेरा नाम राघवन शर्मा है। राघवन शर्मा जी, यहाँ पर जो एक प्रधानमंत्री जी फसल बीमा योजना का जो बोर्ड लगा था वो उस पर खाली पोत दी गई है आपके आदमियों के द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा आदमी नहीं था, वो आदमी कौन है उसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। पहले एक बार वो कलेक्ट्रेट में आ जाए और उससे हम लोगों का वार्तालाप हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन। चलिए आपका परिचय दे दें आप मुझे। आप, मैं राघवन शर्मा हूँ, SBI जनरल इंश्योरेंस से। कहाँ से हैं आप? SBI जनरल इंश्योरेंस से। आप जिला प्रबंधक हैं? जो बोर्ड लगे थे जिले में उनका कोई पेमेंट नहीं हुआ, उसका कहना था वो बाइट देखिए, वो कौन सी कंपनी से है और वो कहाँ से आया है उसका पहले एक बार कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद ही आगे की बारे में। जो बैनर लगे थे उनका पेमेंट हो चुका है क्या? जो बैनर पोस्टर जो लगे थे उनका पेमेंट? हमारे यहाँ जो कंपनी के द्वारा जो ये चीजें लगाई गई हैं उनका सारा पेमेंट हो चुका है, पर वो कौन सी वेंडर कंपनी से है? मैं SBI जनरल इंश्योरेंस से हूँ। आपने किस कंपनी को पेमेंट करा उसका नाम बताएं। अभी हमारे पास से रिलेटेड उसका कंफर्मेशन आया नहीं, जब भी आएगा। मध्यप्रदेश के अंदर लगभग कितने ऐसे बोर्ड लगे होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के? यहाँ पे 24 होर्डिंग लगे ऑल जिले में। और ये सांसद शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, अगर इस तरीके से होर्डिंग पे काली पुट्टी है तो खासकर उनके जिले में, संसदीय क्षेत्र में। नहीं तो इसमें किसने हरकत मारी है उसको एक बार हम आपके सामने तो खड़े थे सर, वो नहीं मेरे सामने, मैं तो अभी आया। अरे आपके सामने ही थे वो चारों लोग। लॉयंस बेतवा क्लब की महिला सदस्यों द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए स्थानीय बाल विहार में पौधे रोपित किए गए। पौधारोपण के बाद कपड़े के बैगों का वितरण किया गया। नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा एक कल्याणी महिला को स्वयं के स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन भेंट की गई। समाज सेवी दिव्य शार ने दी जानकारी। देख लिया था अध्यक्ष जी वाले फोटो, सर ने डाल दिए थे, कमल भाई डाले थे, डाल दो फोटो। अच्छा गोल साहब आ गए। आज किस तरीके की एक्टिविटी की गई आपने? हम लोगों ने भी लगा पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक तो प्लांटेशन किया है बाल विहार में, और दूसरा पॉलिथीन उन्मूलन हेतु हमारे यहाँ लायंस क्लब द्वारा कपड़ों के बैग बांटने का है, तो हर क्लब द्वारा बांटे जाते हैं, हमारे बेतवा द्वारा ही दो बैग प्रतिमाह बांटे जाते हैं। कहाँ का किया आपने? बेतवा क्लब की अध्यक्ष, लॉयंस क्लब का बेतवा क्लब की अध्यक्ष। आज हमने दो एक्टिविटी करी, आज हमने बाल विहार में पौधारोपण किया जिसमें 5 उपयोगी पौधे लगाए हमने, और हमने सब्जी मंडी में सब्जी के लिए थैले, हमने पॉलीथीन उन्मूलन हेतु हमने कपड़े के थैले दान किए हैं आज। विदिशा जिला अस्पताल में इन दिनों स्वानों की काटने के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मिली जानकारी अनुसार महीने भर में करीब 1000 से अधिक लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं, जो कि जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। इंजेक्शन कक्ष प्रभारी वन्य लोगों ने बताया। से 60-70 तक करीब आ जाते हैं। हाँ, मतलब नए वाले तो 20-25-22, बाकी कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं। चार डोज दिए जाते हैं, फर्स्ट डोज में टिटनस इंजेक्शन दिया जाता है, फिर ARV भी दिया जाता है।
इस महीने में 1248 पेशेंट आए हो जाते हैं कुत्तों के काटने। हाँ, तो मतलब उन्हीं के चार डोज होते हैं एक पेशेंट। कौन सा इंजेक्शन लगता है उनके लिए? ARV इंजेक्शन, एंटी रेबीज। जिस जगह काटा है उस घाव को चलते हुए पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूशन में धोना है कपड़े वाली साबुन से। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके फिर डॉक्टर लिखेगा उस हिसाब से हमारे पास आके फिर इंजेक्शन लगवाने। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के जैन द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले ORS के घोल के बारे में बताया गया। ORS का घोल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कंधे से लगा के डकार दिलाना है। बच्चे को आंख में काजल कभी नहीं लगाना क्योंकि आंखें खराब होती हैं। बच्चे को कपड़े हमेशा नए और धुले हुए पहनाना है, पुराने दूसरे बच्चे के कपड़े नहीं पहनाना है। बच्चे को हमेशा हमें नारियल के तेल से मालिश करना है। बच्चे को 15 मिनट धूप में रखना है। बच्चा जो अपने हाथ से खाना पीना खाता है, कहीं से खेल के आता है, मिट्टी में खेल के आता है, कहीं खेल के आता है, तो बच्चे को हमें हमेशा हाथ धुला के ही खाने देना है। और हमें भी अपने जब भी हम शौच के क्रिया के लिए जाते हैं या खाने का खाते हैं उसके पहले हमें हाथ अवश्य धोना है। बाजार का खाना हमें ज़्यादातर नहीं खाना है, जैसे कि जो फास्ट फूड होते हैं, फास्ट फूड यानी पानी बतासे हैं, आपका आलू के समोसे हैं, कचौड़ी हैं, मंगोड़े हैं, या आपका पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, नूडल्स हैं, ये चीज़ें नहीं खाना। ये चीज़ें ORS के बारे में बताया कि बच्चों को बाहर का खाना फ्रूट वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, दलिया खिलाना चाहिए, उसका पानी देना चाहिए, चावल का पानी देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, ORS का घोल देना चाहिए। बुखार फीवर हो तो उसके लिए, दस्त उल्टी हो, थोड़ा बहुत घर का उपचार भी कर लेना चाहिए, फिर डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। ब्लड चेक कैंप के दौरान सभी उम्र के बच्चे, महिला व पुरुषों का निःशुल्क चेक कर कार्ड बनाए जा रहे हैं। 3 दिन के लिए यह शिविर लगाया गया है। उनको जमीन से निकाल कर स्वयं के खर्चे पर अंतिम संस्कार जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में मिल रही शिकायतों के चलते विधायक मुकेश टंडन और SDM क्षितिज शर्मा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला अस्पताल में कई प्रकार की खामियां नजर आईं। अस्पताल प्रबंधन की कमियां उजागर होने के बाद विधायक नाराज हुए। वहीं उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक एजेंसी जो लेबर का कार्य करती है, उन्हें 11,000 रुपये दिए जाते हैं लेकिन मात्र 5,000 रुपये में ही कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने तत्काल दोषियों पर ठोस कार्रवाई की बात कही है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ये भी मैं बात। वैसे आपकी दृष्टि में सिविल सर्जन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, जो भी सिविल सर्जन हो या सामान्य कर्मचारी हो, जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, अगर वो जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करता तो सर्विस में ये नियम है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी अपने जो नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, काम नहीं कर पाता, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई विभागीय जो कर सकता है वो करता है। और ये विभाग के संज्ञान में मैं लाऊंगा। जैसे दो इसी और आए थे मॉड्यूलर किचन बनाई है, पता चला ये 3 चिमनियां की लगा दी और एक भट्टी रख ली, 5 लाख रुपए चलेगा उसमें। देखिए, 7 लाख की बाथरूम बनाई है भाई साहब, आदमी का एक आवास बन जाता 7 लाख में। कक्षे हैं जहाँ पर
दुर्घटना घट सकती है, उनको तत्काल खाली कराएं। साथ में जिन कक्षों को आपने खाली कराया है वहाँ के बेड और वहाँ के गद्दे सुरक्षित रखवाएं, क्योंकि देखा यह गया है कि महीनों से गद्दे वहाँ कचरे के ढेर हो रहे हैं, वहाँ पूरी धूल चढ़ रही है, हमारे पलंगों पे जंग लगने की स्थिति आ रही है। इससे जो शासन का पैसा है इसका पूरा का पूरा दुरुपयोग हो जाएगा। अगर बिल्डिंग बनने में कोताही बरती गई है तो यहाँ के रख रखाव के साथ साथ जिन सामान की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की और जिला अस्पताल के हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बनती है, वे भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। ये सब मैं जिला प्रशासन को और राज्य शासन को अवगत कराने का। गरीबों को हक छीनने वालों के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज होगी? जो आपने बताया कि 5-5 हज़ार रुपये उनको मिल रहा है और 10-10 हज़ार उनकी तनख्वाह है। बिल्कुल, मैं शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र के माध्यम से पूरा अवगत कराने वाला हूं। और मेरी तो यही जो मंशा है वो ये है कि आपराधिक प्रकरण दर्ज हों। परेशानी बताते हैं और दूसरा प्लान बताते हैं, प्लान भी उसमें 40,000 से 50,000 रुपये लो और आई मत, उसकी भी जाँच हुई है, NRSM की डायरेक्टर आई जाँच। देखिए, जो भी जाँच है मैं संबंधित अधिकारियों को आप मेरे संज्ञान में लेके आए, मैं उनसे बात करूंगा। इसके अलावा बाकी भी स्टाफ ठीक से चले, मैंने सारे डॉक्टर्स को भी ये निवेदन आपके माध्यम से भी करता हूँ कि आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। जिस प्रकार ये सरकार ने इतना बड़ा एम्पायर ये हमारे जिले के जो नागरिकों को सुविधा देने के हिसाब से बनाया है, वो सारी सुविधाएं आप लोग मानवीय दृष्टिकोण से, जैसे भी डॉक्टर जो है ईश्वर का रूप होता है, और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। देखने में ये आया कि यहाँ जो OPD में जो पेशेंट्स आते हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं ठीक नहीं मिलती, तो वो मेडिकल कॉलेज और इसके बीच में भटकते रहते हैं। इसलिए मैंने कल हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे सांसद जी को भी मैंने पत्र लिखा है कि ये जो मेडिकल कॉलेज के साथ ही इसको समाहित कर दिया जाए, ताकि ये मरीज की कॉपी उनको भी भेजी है। और ये सागर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का जो है विलय होने की स्थिति में है, वैसा ही विलय हमारा ये दोनों का हो जाए, ये मेरा प्रयास है। और मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से भी निवेदन किया है, कमिश्नर को भी कहा है और स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से MT News। नमस्कार।